ये पहला है तो ये निकलेगा, ये निकलेगा तो ये निकलेगा, but the end is we need, whether it is incubation but later on we need to produce something, an improved version. So when we do this, say now we need to first, when we have to think of innovation, we need to first identify our problem, propose the solution. This is the scientific method. Prepare an experiment, communicate the value of your invention, test the invention, find out the success rate, then improve the product, and finally you implement it. So this is the way you do innovation. So the 6R model, for any intervention to happen, for any innovation to happen, we need this 6I model. You need an inspiration, you need an idea generation, you need an identification. हाँ, चलो या ना चलो, investment चाहिए, integrate चाहिए, then you will get an innovative process. अभी जब हम लोग बात कर रहे थे, तो आपका यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर साहब एक एग्जांपल दे रहे थे जो इधर बहुत फिट बैठता है. एक वो नॉट वेरी मच एजुकेटेड एंड दिस अगेन आई हैव अ पैरेलल व्हिच वी आर ड्राइंग व्हिच वी हैव सीन इन हैदराबाद अ फ्रूट जो इट इज समथिंग लाइक व्हाट वी कॉल एज अ ग्रीन कलर फ्रूट. आप बेर कुछ कहते हैं ना, वो फ्रूट है और दे हैव grafted it with a pear. तो शेप पियर शेप का है, पियर आप जानते हैं ना, लेकिन जो जो लोकली मिलता है एक स्मॉल ग्रीन बेरी बोलते हैं ना उसको, छोटा सा फ्रूट, उन दोनों को ग्राफ्ट किया तो अंदर का टेस्ट इज बिटवीन अ पियर एंड अ बेर, बट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस इज वेरी हाई. एंड वो रेट जो है, क्योंकि नया है, इनोवेटिव है, उसका रेट पियर से भी ज्यादा है. जो भी उसको उगा रहा है बहुत पैसा बना रहा है, लेकिन ये इनोवेशन किसी एक एग्रीकल्चरिस्ट का हाथ में हुआ. तो अभी साहब यही बोल रहे थे कटहल और कुछ और फ्रूट का, जब व्हेन समबडी इज थिंकिंग ऑफ ग्राफ्टिंग इट, ग्राफ्टिंग करना ही दो चीजों को मिलाना. सो टुमारो व्हेन वी हैव क्लोन्स, ह्यूमन क्लोन्स बनाना अभी तक हमारी हाथ में नहीं है. जिस दिन सही मायने में ह्यूमन क्लोन्स बनेगा, व्हेनेवर वी आर एबल टू रेप्लिकेट द जीन्स, देन मे बी यू विल हैव टेलर मेड ह्यूमन बीइंग्स, जिसके पास ये जो चाहिए वो एक दिन शायद वो भी बनेगा. बट दीज आर ऑल आइडियाज. अगर इस दौर में बोलेंगे तो मेरे दौर में बोलते क्या, यू आर गोइंग टू ग्राफ्ट एनिमल्स, नॉट पॉसिबल. But we saw it happening with animals a day not far, and we might see it even in human beings. So here, so you first have to generate an idea, then identification, and you get into this 6I model. Now, whenever there is a change, why I am talking all this is to bring it to my technology. Whenever there is a change, first one is incremental, that is additional, radical, जो हटके है. तीसरा इज डिसरप्टिव, जो चल रहा उसको कंप्लीटली बदल देता है, उसको रोक देता है और आगे कुछ और निकल के आता है. पहले वाला जो चल रहा है उसको एडिशन होता है, इंक्रीमेंट्स. दूसरी उससे थोड़ा सा अलग सा है. तीसरा जो चल रहा है, जो अभी तक हो रहा है, उसको बिल्कुल बंद कर देता है और आगे का जो भी सोच है वो उससे बिल्कुल हटके या परे हो जाता है. तो जो टूथपेस्ट कलर वाला हमारे जमाने में नहीं था, ब्रांड नेम मैं नहीं ले सकती इधर, हमारे जमाने का टूथपेस्ट ओनली व्हाइट. जो भी मेरा जमाने का है वो सब बोलेंगे, हमारा एक ही टूथपेस्ट था जो व्हाइट. बीच में हमारे पास एक और टूथपेस्ट आया जिसमें एक रेड लाइन आता था, बच्चे सारे उसके पीछे कूद पड़े. फिर हमारा अभी जो बिना का सिवा का, आई डोंट नो इफ दे आर देयर, दे ब्रॉट द ब्लू, बट आज भी आपका कॉलगेट व्हाइट चलता है.
This is only a incremental. अभी आपका नीम टूथपेस्ट आ गया, आपका बहुत सारा बबुल आया, जो भी आ रहा है, they are all incremental to the basic toothpaste. उसके बाद फोन, जब फोन आया, that changed. It brought about a change in communication. The next, ईमेल आ गया और पोस्ट बॉक्स तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, उसको निकाल ही दिया. वी हैव टू चेंज, यू नो वी वर यूज टू गेटिंग टेलीग्राम. आज तो टेलीग्राम का लास्ट टेलीग्राम करके एक 10 साल पहले टेलीग्राम का अंत भी खत्म हो गया है. टेलीग्राम तो है ही नहीं, टेलीफोन भी शायद नहीं है. एक जमाने में घर में टेलीफोन रखना स्टेटस सिंबल था कि हमारे पास टेलीफोन है. उस जमाने से अभी टेलीफोन ना रखना हमारा आदत बन गई है. सो इट हैज रिप्लेस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से व्हेन आई सेड डिसरप्टिव. जो चल रहा है, जो पोस्टल सिस्टम था, उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिए. सो व्हाट हैपेंस, दिस इज अ ग्राफिक विच जस्ट ट्राइज टू टेल यू व्हाट इज हैपनिंग इन 60 सेकंड्स. एक मिनट में इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है आप देखेंगे तो 98,000 ट्वीट्स इन द मिनट नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड. इफ यू काउंट, दे शुड हैव बीन इन एवरी मिनट देर आर 98,000 ट्वीट्स. देन लाइक दैट ओनली इफ यू सी ऑन, यू विल सी 168 मिलियन ईमेल्स आर सेंट इन वन मिनट अक्रॉस द वर्ल्ड. This is the change we are noticing, and behind all this, remember, it is our technology. So if you just see this 2000 new posts, this is an American thing which I have taken. So questions asked, answers got, then on script, on music, whatever we are saying, this many things, and blogs, it is every minute 60 new blogs are being constructed and 1500 blog posts are there. Every minute about 70 plus domains are being registered as we are talking. So this is what is happening in the world of technology. So here I'm just giving you Marshall McCollum's talk. We shape our tools and then our tools shape us. Hum auzar banate hai aur wo auzar hame baad mein चेंज करने पे मजबूर करता है. हमने इंटरनेट बनाया, इंटरनेट आज हमारी जिंदगी को ही तब्दील कर दी, कंप्लीट चेंज कर दिया. इंटरनेट के बगैर चलता है क्या? The first thing I asked when I went into the checked into my hotel, वाईफाई है क्या? मुझे वाईफाई पासवर्ड मिलेगा क्या? This is what I asked because somehow my Airtel was not working. Within 2 minutes, I also felt I am a डिजिटल इमिग्रेंट, बट स्टिल आई फेल्ट अब मुझे रात में इंटरनेट चाहिए. तो दैट मींस आई डिड नॉट आस्क हिम व्हाट आर द फैसिलिटीज इन द होटल, आई एम आस्किंग हिम वाईफाई पासवर्ड आपका मिलेगा क्या. सो दिस इज हाउ इट हैज डिस्टर्ब्ड माय होल थॉट प्रोसेस. तो ये मैं क्या कह रही हूँ, हम औजार बनाते हैं, बाद में वो औजार ही हमारी जिंदगी को बना रही है. ओके, एंड दिस इज ऑल रेफरिंग टू अवर technology. Okay. So, this is an education slide. So, basically my whole thought process, though I have tried to come out of it, it will revolve around the process of teaching and learning which earns me my bread and butter. So, when I take educational innovation, so this innovation, yahan reh gaye survival, ab ye ud ke idhar pahunchna hai. Kaise pahunchaye usko? Udte udte wo na mare, survive ho, लेकिन नया पानी में वो जाके गिरना है. बच्चा जो है सफोकेट नहीं होना है. ही शुड नॉट स्टार्ट फीलिंग अरे ये दुनिया क्या दुनिया है. यही मिसाल मैं कल किसी और कॉन्टेक्स्ट में दे रही थी. एक बच्चा बैंगन की सब्जी अपनी माँ ने बना के दिया, सिक्स क्लास बच्चा, और बैंगन की सब्जी ना खाने के वजह से माँ ने डांटा और ये अपना जिंदगी खत्म कर लिया. ये हैदराबाद में हुआ 3 दिन पहले. तो मतलब
बैंगन की सब्जी का चेंज वो बच्चा लेने का दो कॉम्पिटेंसी फॉर दैट चाइल्ड वाज नॉट गिवन इन द स्कूल और एट होम. काले तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, निकल लो. या उसको उतना पसंद नहीं है, देन ही शुड हैव बीन इन अ पोजीशन टू टॉक टू हिज पेरेंट्स. माँ मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं कहना. माँ को भी उस बच्चे की बात को सुनने का चांस देना था, दोनों बातचीत कर सकते थे. कहीं ना कहीं वो ना खाने का वजह से रह नहीं पाया, सर्वाइव नहीं कर पाया. सेम विद आवर एजुकेशन इन द स्कूल्स. बच्चा जो टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है वो नहीं कर पा रहा, सो व्हाट इज हैपनिंग, ही इज फ्रस्ट्रेटेड. कुछ आपको कुछ बोलना है तो दे विल गिव यू अ चांस. ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स. अच्छा नहीं लगा, लेट देम, लेट देम गो टू पुलिसमैन. हमें पुलिसमैन की जरूरत नहीं है. और आपको मैं यही बोलू, आपको बैठना ही है, इधर बाहर गाली नहीं देंगे. मीडिया सेंटर है
जहां से क्या लेक्चर्स यहां से हम लोग सातों सेंटर्स पे बीम कर दे, हो सकता है क्या? अब ये सोच जब आ रही है, अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? वी हैव द यूनिवर्सिटी मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी हैज सेंटर्स अक्रॉस इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर, वी हैव वन इन दरभंगा, आसनसोल, संभल, औरंगाबाद, हैदराबाद, बीदर. सो नाउ इन सब सेंटर्स और भोपाल में भी है, तो ये सब सेंटरों में क्या हैदराबाद में बैठ के एक वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट करके क्या हम लोग यहाँ बोलने लगेंगे और पूरा इंडिया में सुनने लगेंगे? हो सकता है क्या? माय क्वेश्चन वाज, हम खाली एक लेक्चर तो सुना सकते हैं? हम बना रहे टीचर्स को, क्या जबान से बातों से टीचर्स बन जाएंगे? एग्जाम्पल से टीचर बनना है या वो एग्जाम्पल भी दिखा दो, क्लासरूम यहाँ से दिखा दो. हाँ, मेरी जनरेशन अभी उसके लिए तैयार नहीं है. हम कह रहे ऐसा कैसा हो सकता है? एक लेक्चर तो मैं दे सकती हूँ, बट हाउ कैन आई थिंक व्हाट अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड लर्नर? नो प्रॉब्लम मैम, वहां से वो ऑनलाइन आपसे चैट करेंगे, नो प्रॉब्लम. शायद उनको नो प्रॉब्लम, अभी हमें लगता है एजुकेशनिस्ट को सारा चीज लर्नर का मामला है. जैसा एक ग्राफिक बता रही है, बेटा आप स्कूल जल्दी जा सकते हो लेकिन मुझे कंप्यूटर की करने के लिए आपकी मदद की जरूरत पड़ रही है. So Picasso, when he was making his paintings, he said this word: every act of creation is first an act of destruction. So पहले आप नया सोच बनाना है तो पुराना जो सोच है उसको मिटाना पड़ेगा. If you want technology to come to you, जैसा मैं बोल रही हूँ, is it possible to have virtual classroom? नहीं होगा की बात मेरी सोच से बाहर निकलना तभी हो पाएगा, नहीं तो यही होगा नहीं क्लासरूम चाहिए, बोर्ड चाहिए. 10 साल पहले अगर आप मुझे लेक्चर के लिए बुलाते बिना चॉक पीस और एक बोर्ड का लेक्चर देने के लिए, मैं शायद सोच भी नहीं सकती थी. आई वुड हैव कम टू गिव अ लेक्चर, आई वुड हैव थॉट हाउ टू डू इट. उस दौर में वी हैड एन OHP, वही टाइम हम शुरू करे थे OHP से लिख के लाने का. उसमें भी एक दो एम्प्टी शीट्स लेके जाती थी कि अचानक कुछ याद आया तो, मतलब वो जो बोर्ड पे लिखने का आदत नहीं छूटी थी, वहां वी यूज्ड टू टेक एम्प्टी एंड अ पेन एंड समटाइम्स वी यूज्ड टू स्क्रिबल ऑन दैट. तो उस दौर में अगर कोई बोलता था कि एक क्लास चलने वाली है बिना चौक का, वहां मैं नहीं सोचती थी. बाद में मुझे पता चला जब कल ही अचानक मैंने पूरा ये 1.5 आवर का बनाना पड़ा, तो मैं बैठी बनाई अपना पावर पॉइंट, क्योंकि उसके बिना अब मुझे लगता है मेरी क्लास अधूरी है. तो पावर पॉइंट हैज बिकम अ जरिया, बट पावर पॉइंट कैन नॉट रिप्लेस मी. विदाउट मी पावर पॉइंट काम नहीं करेगा, लेकिन मेरे साथ साथ ये चलता रहेगा. तो ये चीज जो है, फर्स्ट कुछ भी आगे करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट रिमूव आउट ऑल योर अर्लियर आइडियाज, उसको डिस्ट्रॉय करिए, तभी नया चीज उस पर आ सकती है. So now coming to the different interventions we have in teaching learning process or in doing anything where you get information or how do you communicate with others. Pehla ek cheez hai e-learning. So one is e-learning, the electronic learning. So use of internet technologies to deliver a lot of information across a group of people. So e-learning is in a way internet enabled e-learning. So e-learning में अब next दौर जो है वो definitely e-learning का भी दौर है. Already we are seeing so many online courses and we are having people adding e-learning. So जैसा मैं बोली अभी, thesis shall I send it by email ma'am, शायद textbooks का जमाना भी चले जाने वाली है. No more textbooks, everything content supplied to students through e-learning material, because that's the way we are moving ahead.
then can I still say I'm going to, if I had asked, मैं उसको रिवर्स में बोली, मैम मुझे एक बोर्ड इधर इंतजाम करवाइए, तो क्या होता? मुझे बताना है, कुछ समझाना है, मुझे एक बोर्ड इधर इंतजाम करवाइए, तो रिएक्शन क्या होता? मैम आप कौन सी दौर की है और कौन सी जमाने की है, अभी बोर्ड मांग रहे आप, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा क्या? नहीं 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 मैम, आप ऐसे ही बोलिए चाहिए, बट बोर्ड का इंतजाम तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हैव चेंज्ड. देन व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्म? द ब्लेंडेड मोड वेयर वी हैव बोथ द टीचिंग एंड द इलेक्ट्रॉनिक. नॉट आई एम ट्राइंग टू ब्लेंड नाउ. सो यू हैव द ब्लेंडेड मोड, द इंटरैक्टिव मोड्स. So when you want the generation now, we need to think of blended teaching learning practices. So जो unchanged है, पहले जो होता था, teacher सब कुछ करते थे, अपना the content बोलते थे, फिर you had students का behavior modify करते थे, फिर दौर आ गया, थोड़ा सा दोनों का interaction हुआ, अब जो आ रहा है, we are now trying to take a culture of self-advocacy. Then the students manage how to learn, and we are now thinking of digital ethics. So when we were trying to plan to come for the educational seminar here, a scholar of mine from the basic area of philosophy of history, he was asking, ma'am, kya ho sakta hai? What shall I write on? तो उनका सोच है मोबाइल एटिकेट्स. तो उन्होंने एक पेपर बनाया, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए हमारी एटिकेट क्या होना है. एटिकेट मतलब तौर तरीका. तो मतलब अब हम आपको नहीं समझा रहे कि कैसा बैठना है, कैसा बात करना है, हमें अभी समझाना है कि मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए आर देयर सम रिटन एथिक्स. इसका इस्तेमाल करते वक्त मतलब सोच भी वहां तक बदल गई कि हाउ डू आई, व्हाट आर द एथिक्स आई मस्ट टीच, व्हाट आर द तौर तरीके आई मस्ट टीच फॉर पीपल टू यूज द मोबाइल. सो ही हैज नाउ मेड अ स्मॉल पेपर ऑन द मोबाइल एथिक्स, मोबाइल एटिकेट्स. तो एटिकेट वाज सोशल एटिकेट, नाउ ही सेज व्हाट इज द मोबाइल एटिकेट. जब वो पेपर बना रहा था, देन वी वर ऑल, आई वाज आल्सो स्टंट टू सी सम ऑफ द थिंग्स आई डू विद माय मोबाइल व्हिच the world now says is not right. तो चार लोग बैठे हैं तो अपना मोबाइल पे सर झुका के देखना बदतमीजी कहलाती है. बदतमीजी क्या होता है? जो लोग सोचते हैं, हाँ यही सोचिए, जब चार लोग बैठे हैं, दो लोग अपने आप में बात करते थे, उस जमाने में बदतमीजी थी, और आज चार लोग बैठे हैं और एक अपना मोबाइल में अपना सर घुसाया, मतलब वो भी बदतमीजी की एक निशानी है. तो इस तरह की जब उन्होंने अपना पेपर बनाया और सोचने भी लगा, then I said that means now we have started to tell what is digital ethics. सबका मटेरियल नेट पे सब कुछ मिल रहा है. लाइब्रेरी में हम लोग जब जाते थे, we had no xerox, लिखना है, लिखते लिखते उनका नाम, कौन सा बुक, क्या सब लिखते थे, उसके बाद xerox आ गया और आप आज के जमाने में क्लिक आ गया, नेट में क्लिक आ गया. तो सबका मटेरियल मेरा है नहीं, वो रखा है बाहर, पूरा दुनिया में है, लेकिन वो उसी का प्रॉपर्टी है. सो नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल आवर प्लेगरिज्म. तो प्लेगरिज्म चेक होने लगा. ऑल दिस आर आवर डिजिटल एथिक्स बिकॉज वी आर गोइंग टू दी ब्लेंडेड मोडिंग. तो व्हाट आर द रूब्रिक्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग? द क्लासरूम कल्चर इज चेंजिंग, द मैनेजमेंट, the way classroom is delivered, the way assessments are done, and what is the technology to be used in a blended classroom. The next aspect we can think of is the self-directed learning. So this Oscar, when he talks about the study of medicine, he has two things to say. He who studies medicine without books sails an uncharted sea. But he who studies medicines without patients
does not go to see at all. Unka kehna bahut sahi hai. Ek medicine ki chhatra agar padhta nahi hai, wo ek sea mein gaya, aisa lagta hai ki wo ek sea mein gaya hai, jis aur uske paas uska board pe sail nahi hai. To matlab padhai ke bagair medicine nahi ho sakta. But phir bhi wo shayad chal jayega. क्योंकि वो अपना वोट ड्रॉ करते हुए चला जाएगा, मेडिसिन पढ़ लेगा. लेकिन अगर पेशेंट के पास नहीं जाएगा तो मतलब वो ही विल नॉट क्रॉस द सी एट ऑल. तो मेडिसिन पढ़ने के लिए हमें पेशेंट के पास जाना जरूरी है. सेम वे, सो एक्चुअली व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू से इज व्हेन यू आर यूजिंग दीज टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर हम कुछ भी करने जाएंगे, ये हो जाएगा कि हमें पढ़ाई या जो भी काम कर रहे हैं वो खत्म ही नहीं होगा, वो दौर तक हम पहुंच गए. विदाउट टेक्नोलॉजी इट बिकम्स लाइक अ डॉक्टर हु डज नॉट हैव टू, हु हैज नॉट गॉन टू विदाउट अ पेशेंट, सो ही विल नेवर क्रॉस दिस की. वो ही हैज नॉट एट ऑल स्टार्टेड हिज जर्नी. सो व्हेन आई टेक द सेल्फ डायरेक्टेड जर्नी, सो खुद से हम लोग क्या पढ़ना है वो समझ लेते हैं. So, I was asking a cousin of mine whose child studies in Australia. So, of course, it is very small KG classes. आप क्या करते हो स्कूल जाने से? So, teacher आज शाम पूछती है कि कल हम क्या करेंगे? अगर answer नहीं है तो उनको बताया जाता है ये करें क्या, ये करें क्या, ये करेंगे क्या. तो वो बोला कि हम लोग जिस एक दिन हम लोगों ने बोला मैम से हमें एक केक बनाना है. तो अगर हमारे एक बच्चा बोले स्कूल में आके केक बनाना है तो हम क्या कहते हैं उसको? डांट लगाते स्कूल आते हो केक बनाने? वो टीचर ने बोला चलो कल केक बनाएंगे. और उन्होंने मेरी कजन से पूछी मैं, क्योंकि वो बच्चा नहीं समझा, तो केक बनाते बनाते उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेजरमेंट सिखा दिया. पहले लेके गया उनको वेइंग मशीन के पास, आपको अंडा इतना ग्राम्स का चाहिए डालो अंडा, तो लिया, सब चीजें ले लिया, इसमें सॉलिड कौन सा है, इसमें लिक्विड कौन सा है वो बता दिया उनको, कलर्स बता दिया, नेचर बता दिया. ऐसे बताते बताते पूरे दिन में उन्होंने शायद 10 या 15 कॉन्सेप्ट जो हम नॉर्मल कंडीशन में सिखाते सारा सिखा दिया. क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड केक बनते बनते बीच में रोका और बोला ये कौन सा स्टेज में है, ये सेमी सॉलिड में है, बाद में वो सॉलिड बन गया. तो वो हो गया पाउडर बनाना, क्रिस्टल शुगर वो भी हो गया, अच्छा सा मिक्सचर जो सेपरेट सेपरेट से था वो भी हो गया. इस तरह की कॉन्सेप्ट वेइंग हो गया, मेजरमेंट हो गया, और बाद में एंड में था कि अब इसको हमें काटना है. काटते काटते ये आधा हो गया, ये पौना हो गया, ये 1/20 तक आ गया. एक एक को एक एक पीस देना ना, तो फ्रैक्शंस भी खत्म हो गया. तो ये था इनोवेशन ऑफ दैट टीचर. सो व्हेन यू आर अलाउइंग द चाइल्ड टू लर्न, तो आज आपने क्या किया? केक बनाया. बीच में क्या हुआ? तो क्या करना है, कैसा करना है, इट इज नाउ फॉर एन इंडिपेंडेंट सेल्फ डेवलप्ड लर्निंग. सो व्हेन यू डू अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, क्या अचानक से वो चलना सीखा सीखेगा? नहीं, पहले वो डिपेंडेंट होगा, टीचर कोच बनेगा, चलते चलते स्टूडेंट उस पर दिलचस्पी लेने लगेगा, टीचर मोटिवेटर बनेंगे, आगे चलते स्टूडेंट इस पे इन्वॉल्व हो जाएगा, तब टीचर फैसिलिटेटर बनेगा, अंत में खुद करने लगा तब टीचर कंसल्टेंट बन जाएगा. तो हम कौन सी स्टेज में है? टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कौन सी स्टेज में हैं? आर वी हियर? यस, आई वाज, व्हेन आई वाज स्टडीइंग आई वाज हियर, आई वाज डिपेंडेंट ऑन माय टीचर्स अथॉरिटी फॉर एवरीथिंग. प्रोबेबली नाउ वी आर कमिंग समवेयर इन बिटवीन दीस टू स्टेजेस. आगे की दौर होगा, बच्चा खुद सब कुछ अपने आप करने लगेगा, हम जो है वी विल ओनली बी कंसल्टेंट्स एंड डेलीगेटर्स. So again, just a few slides on distance learning. So we'll just go forward. So the
the ways of distance learning also are changing. The tools of distance, what used to be called earlier, now it is distance learning. You have two types of classrooms, synchronous and asynchronous classrooms. Then we are trying to decrease the isolation between a learner and a student. Then we have chat rooms, we have social chat, electronic, this one. Now what are the disruptive? So ye abhi tak maine do cheezo ko bataya aapko. Ek, the first one was changes which were coming about. The second was radical changes. Now the third is what are the disruptive technologies coming in. Ab har jagah we are now hearing the word MOOCs. Massive open online courses. Now MOOCs, if it really comes in, then it is almost taking a stage of a disruptive technology where we don't know where what happens to all our regular traditional classroom teaching learning. I can do all my courses. I don't need to go and sit in a class. Only the practical training I can go. The rest I can maybe get it through online. This is something which is coming in the way of a normal classroom situation. So this is one disruptive technology. The next disruptive technology is what we call as the learning management systems. So these learning management systems, how will you manage the learning of your children? Then personal learning environment. The same again, my experience with one of another child in Bangalore city was, will you help me to do my homework? होमवर्क करा देगी क्या? कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स में. ठीक है, करा देंगे. तो जो भी उसकी माँ थी वो चली गई. फिर ये बच्चा आके मुझसे पूछा, अभी कराओ होमवर्क. तो बोली, अपना होमवर्क बुक खोलो. फिर होमवर्क बुक क्या होती है? तो मैं बोली, होमवर्क कराने पूछा? हाँ, मेरी माँ का ईमेल खोलो. तो मैं बोली, मैं कैसे खोलती हूँ? मुझे आपकी माँ का ईमेल का पासवर्ड नहीं मालूम. मुझे मालूम था, आपको नहीं मालूम, इसीलिए मैं बोली आप होमवर्क करा दो, क्योंकि मेरी माँ चली गई. अब आप माँ की ईमेल नहीं मालूम, आप मेरे माँ का ईमेल नहीं खोल पाएंगे, मेरा होमवर्क होगा ही नहीं, खेलेंगे हम लोग. तो मैं बोली, बेटा मैं थोड़ा आपकी जनरेशन से पीछे हूँ, लेकिन ये तो अच्छा चलता है. खैर, दो मिनट. आई रोट बैक टू हिज मदर. आई सेंट अ मैसेज टू हिज मदर. आई सेड, प्लीज सेंड मी योर ईमेल or please forward this beta's homework to my email. Then he said, aap computer calling ke liye bhi password hai. Beta, mere mobile mein khul jayega, dero. Arre, aap itna budhi ho ke bhi ye sab jaanti hai? Because I know this is going to disrupt my life. I have to go forward. Aapke daur ke bachchon ke saath chalne ke liye mujhe ye seekhna pada beta. Ab mujhe malum. Then he said, चलो मैं पासवर्ड बोलता हूँ. मेरी मम्मी का पासवर्ड बताया मुझे, कंप्यूटर का पासवर्ड भी पता है. क्योंकि अभी मैं व्हाई आई एम सेइंग, सी दिस हैपेंस, ही हैज कंप्लीटली उसमें लिखा है, उसने कुछ शीट कहीं से निकाला, उसमें लिखा और फिर बैग में रख लिया. कभी कभी होता है उसको पिक्चर ड्रॉ करना, मैम को फोटो लेना है और उसको भेज देना, खत्म हो गया उसका. This is in Bangalore. I am not talking outside India. This is happening in Bangalore. So, matlab the ways of homeworks are changing. So, लिखना भी है हमारे इंडिया में, लेकिन उसको टीचर को कैसे भेज रहा है? पिक्चर लेके भेज दे रहा. तो मतलब होमवर्क हो गया. See now this is the change and the learning environment is changing. He now more depends on the technologies. किस तरह से ऑल योर प्रोजेक्ट, अभी प्रोजेक्ट भी एक तरह से कभी कभी लगता है सही ढंग से नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरनेट से गूगल सर्च करो, कट एंड पेस्ट करो, भेज दो. मतलब हम टेक्नोलॉजी को डोंट गिव अप, से द टेक्नोलॉजी इज स्पॉइलिंग, टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे. द टेक्नोलॉजी इज नॉट टेलिंग यू टू कट एंड पेस्ट. हम उसका एक नया तरीका इस्तेमाल कर लिया और कट एंड पेस्ट कर रहे हैं. So, जो पहले करते थे बुक्स के साथ अब ऑनलाइन भी कर लिए. सो द नेक्स्ट वी हैव व्हाट वी कॉल एज द फ्लिप्ड क्लासरूम्स. नाउ हाउ विल इट बी, हाउ विल आई लाइक द एजुकेशन सिस्टम टू चेंज.
टाइम टेबल में बताया जाता है ये है. व्हाट डू आई नो, व्हाट डू आई वांट टू नो, मुझे क्या, मैं क्या चाहता हूँ और क्या चाहती हूँ, और मैंने क्या सीखा. दिस शुड बी अवर क्लासरूम रूटीन. मैंने, मुझे क्या मालूम है, आज मेरा टीचर इज गोइंग टू टीच अबाउट एक्स वाई जेड, तो इसके बारे में मुझे क्या मालूम है, इसके बारे में मुझे क्या जानना है, इसके बारे में घर जाने के बाद मैंने क्या सीखा. अगर आपने क्लास में, मेरी क्लास में नहीं सुना, मतलब जो भी मेरी सोच थी उसके बारे में आपको कुछ मालूम था, लेकिन आज क्या लेके जा रहे, कुछ भी नहीं. तो ये नहीं होना है कोई भी क्लासरूम में. आई शुड हैव दिस आइडिया. क्या जानते हैं, क्या जानने वाले हैं, क्या हाल है. सही बात है, किसी का फोन में पूछ रहा क्या हाल है. हाँ वही बात है, क्या हाल है, क्या जानना है. देखो सब बढ़िया है. दैट इज अगेंस्ट मोबाइल एटिकेट्स. मैं अभी बोली ना, चार लोग बैठे हैं तो मोबाइल पे बात करना बदतमीजी कहलाई जाती है. सो हियर हाउ विल आई फाइंड आउट व्हाट आई हैव लर्न्ड, व्हाट एक्शन विल आई टेक, व्हाट क्वेश्चंस डू आई हैव. सो आप अगर देखेंगे तो हाउ टू गो अबाउट दिस, आइदर डिजिटल मीडियम या एनालॉग मीडियम. एनालॉग मीडियम में ये आप पेयरिंग, क्लासरूम डिस्कशन, स्मॉल ग्रुप्स, या डिजिटल मीडियम में आप ब्लॉग्स कर सकते हैं, यू कैन हैव सेलफोन्स, गूगल क्लासेस, वेबसाइट्स. सो ये जो टीचिंग लर्निंग होगा, इट कुड बी बोथ क्लासरूम एनालॉग और डिजिटल मोड. सो इफ समबडी वांट्स टू से समथिंग फ्रॉम देयर, वन मिनट आप बोल सकते हैं, या मैं चालू करूं, कंटिन्यू करो. Okay, so this is the picture of our 20th century classrooms. So this is how the classrooms look then. One teacher, homework, answer 1 to 30 question likho, page 25 pe do question hai. Hamari homework yahi hoti thi. Maths textbook kholo, page 25 ka pehle se 5 baar problem karke leke aaiye. वो होमवर्क होती थी, और आज की होमवर्क मैंने बताया आपको. इट इज कमिंग बाय जीमेल एंड नॉट सिंपली कॉपीइंग एंड डूइंग. वो तो वर्क ही नहीं था. सो क्लासरूम बेल और सुबह का बेल और शाम का बेल के बीच में ही पढ़ाई होती थी. फिर वी हैड विद इन द क्लासरूम, और सबके लिए एक ही तरह की क्लास होती थी. और आज की नया दौर की क्लासरूम्स, वी हैव स्पेशल इंस्ट्रक्शंस. We have people to think of their own way of learning. I have all these skills which are taught, and interactive media. और दुनिया अपनी मुट्ठी में लेके चलने वाली classrooms बन गई है. Shall I continue? So because as I told you, मेरी सोच जब आई थी कुछ थी, और यहाँ आने के बाद देखने से वजह से मेरा फोकस सारा आप लोगों की अटेंशन ड्रॉ करने में ही लगी है, कि आई डोंट वांट यू टू गो बैक सेइंग 3 घंटा सिंपली बैठे थे. तो मेरा फोकस वो था, बट दी फोकस ऑफ दी सेमिनार इज समथिंग एल्स. सेमिनार फोकस इज व्हाट अबाउट दीज इंटरवेंशंस व्हेन यू वांट टू हैव इन हायर एजुकेशन, व्हाट शुड वी डू. सो हायर एजुकेशन का फ्यूचर क्या होगा, इट विल हैव ओपन नेटवर्किंग. हाँ, जब यूनिवर्सिटीज टुडे थ्रू इंफिबनेट वी आर गेटिंग एक्सेस टू सो मेनी जर्नल्स. यूजीसी के इंफिबनेट से जिस जिस कॉलेजेस पे कनेक्टेड है, वी हैव एक्सेस टू सो मेनी जर्नल्स, विच इन वन टाइम वी हैव टू गो टू द स्पेशल लाइब्रेरीज ओनली. जैसे एजुकेशन में है तो एनसीईआरटी के लाइब्रेरी में पहुंच जाए, या आईआईटी इंजीनियरिंग वालों को, आईआईएम मैनेजमेंट वालों को. आज थ्रू इंफिबनेट यस, एंड ईच यूनिवर्सिटी इज गेटिंग इंटरलिंक्ड. आपका अभी रूल्स बन रहे हैं, शोध गंगा में डालो, और अपना दूसरी वाली क्या है, शोध गंगोत्री, जहां बिफोर यू कैन इवन स्टार्ट योर थीसिस यू हैव टू अपलोड योर एब्स्ट्रैक्ट. नाउ आपका प्रपोजल एब्स्ट्रैक्ट जो भी बनना है वो अपलोड होना है. अपलोड होने के बाद अगर इसी
क्योंकि ऑलरेडी ये शोध गंगा में ये टॉपिक और ये काम हो चुका है. शोध गंगा इज वेर यू पुट योर थीसिस. शोध गंगोत्री इज द प्लेस वेर यू आर गोइंग टू पुट योर सोर्स. गंगोत्री इज वेर गंगा स्टार्ट्स. सो शुरुआत में ही डालो. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नो वी आर फर्स्ट. माई स्कॉलर कैन नॉट डू हिज वर्क अनलेस इट गेट्स अपलोडेड ऑन शोध गंगोत्री एंड इट इज क्लियर. तो मतलब आपका प्लेजरिज्म का प्रॉब्लम जो है स्टार्टिंग में ही हो जाएगा. टाइटल ही मैच हो जा रहा है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि इससे हटके क्या है. तो नाउ द प्रोसेस हैज जस्ट स्टार्टेड. अब डालना ही है. तो हायर एजुकेशन नेटवर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस जैसा मैं अभी बोली अपना आईएमएस की सेंटर में बैठ के मीडिया सेंटर में मैं यहाँ बात करूं और पूरा ऑल माय सेवन cities colleges of teacher education should be able to listen to my lecture or somebody sitting in Darbhanga is a lecture other institutions should hear it. In fact every year all our central universities the president of India speaks to the entire central university communities through teleconferencing. Har saal naya saal ka mubarakbad jo visitor hote hai president gives to all our staff and students. To hum log president saab ko har saal nahi mil sakte lekin जनवरी में 8th या 9th को होता है हर साल. तो हम भी हाँ वी आर इन अ वे कनेक्टेड बिकॉज ही इज द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड ही टॉक्स टू ऑल ऑफ अस. एंड दिस नेटवर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटीज इज द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री. एंड नेटवर्किंग हैपेंस ओनली विद आईसीटी. द नेक्स्ट सीनियर फॉर हायर एजुकेशन इज हमने कॉलेज खत्म कर दिया हमारी कोर्स खत्म हो गया हम निकल पड़े जिंदगी में और फिर बुक्स नहीं खोलेंगे. बुक्स बंद हो गया कोर्स नहीं करेंगे ये दौर खत्म हो गया. इवन अनदर नीस ऑफ माइन इज वर्किंग विद टाटास. शी वाज आस्किंग मी माय इंस्टीट्यूशन इज आस्किंग मी टू गो ऑन टू योर सबैटिकल गो डू योर एमबीए एंड कम बैक. अब आपका बेसिक ग्रेजुएशन लेवल का जो कोर्स था आपने हो गया इंजीनियरिंग. अब आप यू हैव टू मूव अप द लैडर. तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है मैनेजमेंट में जाना है. दो साल का छुट्टी देके हम भेज रहे हैं जाके एमबीए करके आइए. नहीं करूंगी. नेक्स्ट इंटरव्यू से आपका जो हमें अभी तक आपका साथ चाहिए था अब आपका जरूरत नहीं है. आप जाइए. मतलब नाउ दे डोंट वांट हर टेक्निकल स्किल्स दे वांट हर टू गो इनटू द मैनेजमेंट. तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का साइकिल जो है हायर एजुकेशन आईसीटी मूक्स ऑल दीज आर गोइंग टू हेल्प यू टू डू ऑल दीज कोर्सेस. सो न्यू अप्रोचेस टू टीचिंग लर्निंग ऑल दीज आर टेकिंग प्लेस. देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट आल्सो थ्रू द आईसीटी. सो इन सब का जरिया आईसीटी ही बनने वाली है. देन व्हाट आर द न्यू लर्निंग नीड्स. So how do we use knowledge? How do we serve the millennium users, experienced learners, lifelong learners, people who are on the move? So how do we address all these needs? And ICT is the answer for it. Moving forward. So ab aage kya hone wala hai? What should we do in the future? What will be the future of ICT in education? हाँ हम पहले थे इंफॉर्मेशन सोसाइटी आप बन गए हैं नॉलेज सोसाइटी. बनने वाली है कॉम्पिटिटिव सोसाइटी और इन सब में द चेंज इज ओनली द आईसीटी इंटरवेंशंस. सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम अ नॉलेज सोसाइटी टू अ कॉम्पिटिटिव सोसाइटी एंड इकोनॉमी इज ड्राइविंग एवरी एक्टिविटी ऑफ योर्स यू हैव टू बी आईसीटी इनेबल्ड. अदरवाइज जैसा मछली अपना ही कुएं में रह गई वहीं पर रह जाएंगे. सो दीज आर दी फैक्टर्स दी ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल दिस. देन व्हाट डू वी हैव व्हाट आर वी गोइंग टू एंड अप विद. वी विल बी अ लर्निंग सोसाइटी अ लर्निंग कम्युनिटी अ लर्निंग फैमिली और लेफ्ट अलोन यू विल बी अ लर्निंग इंडिविजुअल. सो this is what I wanted to interact with all of you. Men are mortals, लेकिन ideas जो है वो कभी ना खत्म होने वाली बात है. आज की सोच कल की हकीकत बनेगी. So thank you so much.
for listening to me. Thank you. Now it is what we are using?
aluminum. This is the each and every invention of a particular particular direction. You see that it is changing the entire social setup. So this is what these innovations have reduced the sizes of the technological tools, increase the speed in which they operate, and the process that communicate information. So education directly you see depends upon the interaction. You have what you say interaction between the two individuals. So whenever we call about when we use ICT, we see that the mode of interaction is being changed. Here I want to make you clear that in general what we say ICT, it is a combination of two phrases, that is information technology and communication technology. What the information technology says, it is a large data storage. Large data storage means we nowadays we are if you want to see the temperature of Durg city in the last 20 years of this day, you can compare it with, because we are having the data, it is stored within meteorological department and all. We are having each and every data. The days are passing, and you see that each and every information is being collected throughout the years, and it is stored in the last storage. And first computation, if you want to bring out that information from this the store, you need some computers. Both the things are being used. This we can be used in the information technology. So it means collection of information, storing of information, and whenever it is being used, whenever it is required, we can access to it, and we can use it. This is entire the combination of this called information technology. Whereas communication technology, it is a wired and wireless data storage and fast computation is also there. It means whatever the information you have gathered and you have developed, you have created something, and if you want to send it to your friends or what you say into the community or into the world, you should have some technology that is wired, that may be wired or wireless, and here it is also you see the fast computation. This is called the communication technology. If we see this in a combination form of computation, that is information communication technology, if we combine together, you can see that this much of information can be transferred in the ways you say. Data retrieving, transmitting, storing, creating, collaborating, processing, displaying, all these things you see it is changed by some or other way. This is what the role of ICT in our lives in daily life. Each and everybody of this generation are living in this present times. You can see that he is supposed to be being in front of the ICT. As madam said, today students are digital natives, born in the digital era. Whereas the teachers are digital inventors, getting into the digital era from chalk and talk era. Chalk and talk era, this was the teaching and learning method that we were used to blackboard was invented and started being used in the year 1900. If we go through the education technology like this, so we are changed this from India is going to be ICT strong nation. So for the you see the knowledge economics, instead of traditional industries used to
higher demands and higher education advanced skills, ICT as a cost effective means for their expanding higher education, and ICT helps with the students' mobility across the borders. So ICT does not have the limitations of a boundary. We can get admission by sitting in our home in any nation in the whole year. So it does not have the boundaries. What are the appearances that ICT require? For creation of information or communication, we see the personal computers, digital cameras, scanners, smartphones like that, processing, calculator, smartphone, storage devices, CDs, DVDs, pen drive, microchip or cloud, and displays, projector, smartphone, transmission, for the transmission such as internet, teleconferencing, video conferencing, mobile technology, these are the things, and exchange of information, that is email and cell phones are there. Now what is happening? If it is ICT is developing in one way or the other, education and the curriculum is placed in the one and the same place, you see that students are getting ICT skills. Lack of clear identified ICT skills for students. This is the main hindrance that is developing. And learning of ICT skills mostly by the students themselves. Here, most of you people sitting in this hall may be having developed ICT skill of your own, is it not? So, not much formal guidance from a higher education institution. These are the poor and what is the result? We see that poor understanding of ICT. Skewed ICT skills by the students. Skewed means what? Here I would like to chatting, games, social networks and information discovery, what is the self-study, data mining. Here the skewed skills means what? Most of the time we used to spend in enjoying the things rather than getting the things.